खरगोन के TIT कॉम्प्लेक्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वन कर्मियों ने हड़ताल के 10वें दिन मुंडन कराकर सरकार का 10वां मनाया। एक तरफ वन कर्मी मुंडन करा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके साथी शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। आंदोलनरत वनकर्मियों ने बताया कि अब आश्वासन से बात नहीं बनेगी, सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगी। ये मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा खरगोन ने हमारे पंचाध्यक्ष महोदय श्री निर्मल कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष श्री ओम सिंह डावर के नेतृत्व में हमने ये जो 19 सूत्री मांगों के समर्थन में ये 10वां दिन जो हमारा हड़ताल का है उसमें सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में हमने ये 10 कार्यक्रम रखा है और कुल 13 आदमी ने मुंडन कराया है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अपने स्तर से अपने तरीके से पुरजोर विरोध करते हुए हमारी 19 सूत्री जायज मांगों को पूरा कराने के लिए लगे रहेंगे। जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब बैठे रहेंगे धरने पर? बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पुरजोर विरोध करेंगे। और अभी हमने आपको जानकारी के लिए बता दें, दिनांक 30/5/2018 से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें हमारे आज सिल्वर रैंक के श्री फतेह सिंह नामा साहब रेंजर साहब के नेतृत्व में हमारे सारी सिल्वर की पूरी टीम भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम आंदोलन को और तेज करते जाएंगे। खरगोन से शकील शेख की रिपोर्ट।